दोस्तों, अगर आप टीवी शो देखने के शौकीन हैं तो आप बिग बॉस रियलिटी शो से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो आज के समय में इंडिया का नंबर वन रियलिटी शो बन चुका है। पर इस शो को इंडिया का नंबर वन शो बनने और बनाने के पीछे कई सारे सेलिब्रिटीज और कंटेस्टेंट की एक अहम भूमिका रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिग बॉस शो के सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा, आखिर किस तरह बिग बॉस बना इंडिया का नंबर वन रियलिटी शो। पर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल आमिर डॉक्यूमेंट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बिग बॉस शो की शुरुआत 3 नवंबर 2006 को हुई थी। इस शो का पहला सीजन सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था और इस सीजन को होस्ट किया था बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने। यह सीजन करीब 86 दिनों तक चला था। फिर 17 अगस्त 2008 से बिग बॉस का सीजन 2 शुरू हुआ और इस सीजन से बिग बॉस का हर सीजन कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। बिग बॉस सीजन 2 को होस्ट किया था शिल्पा शेट्टी ने और यह सीजन करीब 98 दिनों तक चला था। और उस समय तक बिग बॉस शो की लोकप्रियता कुछ खास नहीं थी, जिसके बाद इसके अगले सीजन बिग बॉस सीजन 3 में होस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन ने एंट्री ली और यह सीजन भी करीब 84 दिनों तक चला। पर यह सीजन भी टीआरपी के मामले में कुछ खास हिट ना हो पाया। फिर बिग बॉस सीजन 4 में होस्ट के तौर पर एंट्री हुई सलमान खान की। यह सीजन करीब 96 दिनों तक चला और यह सीजन टीआरपी के मामले में सुपर हिट रहा। और इस सीजन के बाद बिग बॉस के हर सीजन को सलमान खान ही होस्ट करते नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें बिग बॉस के कॉन्सेप्ट की, तो इस शो का कॉन्सेप्ट बिग ब्रदर शो से इंस्पायर्ड है। ये शो सितंबर 1999 से नवंबर 2006 तक चला था, जो कि डच लैंग्वेज में था। वहीं अगर हम बात करें इस शो के प्रोडक्शन लोकेशन की, तो इसका सीजन 1 से सीजन 4 तक लोनावला में शूट हुआ था। वहीं इसका सीजन 5 करजात में शूट हुआ था, लेकिन सीजन 6 से ये शो फिर से लोनावला में शूट होने लगा और पूरे सीजन 12 तक इस शो की लोकेशन वही रही। पर सीजन 13 से ये शो गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट हो रहा है और सीजन 14 की भी लोकेशन यही है। इस शो की प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो वो है एंडेमॉल इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, बिग बॉस और कंट्रोवर्सी का एक गहरा नाता है। इस शो में हमें कभी कभी कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल जाते हैं, जो इस शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दोस्तों, वहीं कुछ एक्सपर्ट की माने तो बिग बॉस की सफलता का कारण सलमान खान है, क्योंकि उनके होस्टिंग में आने से ही इस शो की टीआरपी ने कई शो को पीछे छोड़ दिया। और वहीं ये शो रेटिंग के मामले में भी किसी शो से पीछे नहीं रही। ये रही दोस्तों बिग बॉस शो की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल आमी डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।